अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विन ऑनलाइन योर चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस। लास्ट लेक्चर में हमने अल्लाह ताला के बारे में पढ़ा था कि अल्लाह ताला कितने हैं और हम उनकी इबादत क्यों करते हैं, कौन है अल्लाह ताला। अब हम आगे आज देखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपना पैगाम हम तक कैसे पहुंचाया। हमने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जब भी किसी कंपनी को कोई बॉस होता है, कोई हेड होता है, वो अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों को भेजता है जिस पर उसे बहुत ज़्यादा एतमाद होता है कि ये लोग लोगों तक, दूसरे लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचा सकेंगे, उनसे काम करवा सकेंगे। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने अपना पैगाम हम तक पहुँचाने के लिए कुछ मखसूस लोग भेजे जिन्हें हम नबी कहते हैं, जिन्हें हम रसूल कहते हैं, क्योंकि वो लोग अल्लाह ताला के नज़दीक इस काबिल थे, अल्लाह ताला ने उन्हें इस काबिल समझा कि वो लोग मेरा पैगाम दूसरों तक पहुंचाएंगे और दूसरों से अच्छे से काम करवा सकेंगे। अल्लाह ताला ने अपना पैगाम हम तक पहुंचाने के लिए 124,000 पैगंबर भेजे, 124,000। उनमें से आखिरी पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम आज उनके बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, यानी उनका थोड़ा सा तारुफ, उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं हिज ग्रैंडफादर्स नेम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडफादर का नेम क्या था, आप सल्लम के दादा का नाम क्या था। उनके दादा का नाम था अब्दुल मुत्तलिब। हम देखते हैं हमारे पास पूरा एक रो में मुहम्मद लिखा हुआ है, ये MUHAMMED, मुहम्मद। तो हम देख रहे हैं उनके ग्रैंडफादर का नाम क्या था, अब्दुल मुत्तलिब। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ABDUL, अब्दुल, ABDUL, अब्दुल। आगे MUTT होगा मुत्तलिब, MUTTALIB, अब्दुल मुत्तलिब। आगे हम देखते हैं नेम ऑफ द अंकल हु रेज्ड हिम, उन अंकल का नाम, उनके उन चचा का नाम जिन्होंने उनकी परवरिश की, उन चचा का नाम अबू तालिब था। हम सबसे पहले लिखते हैं ए, फिर बी, यू हमारे पास ऑलरेडी है, ABU अबू, टी ए ता, टी ए ता, एल आई बी लिब, एल आई बी लिब, तालिब, अबू तालिब। नेक्स्ट हम देखते हैं ही वाज फ्रॉम द फैमिली ऑफ, वो किस फैमिली से थे, ही वाज, वो थे फ्रॉम द फैमिली ऑफ बनू हाशिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनू हाशिम से बिलोंग करते थे। बी ए एन यू बनू, एच हमारे पास ऑलरेडी है, आगे हम लिखेंगे ASHIM, हाशिम, BANU बनू, HASHIM, हाशिम। आगे हम देखते हैं ही वॉज बॉर्न इन द सिटी ऑफ, वो पैदा हुए शहर में, किस शहर में पैदा हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, मक्का। सबसे पहले हम लिखते हैं एम, ए हमारे पास ऑलरेडी है, के यानी डबल के आएगा, डबल के, MA KK AH, मक्का। आगे हम देखते हैं हिज मदर्स नेम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर का नाम, वालिदा का नाम क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमिना था। AM हमारे पास ऑलरेडी है इन स्पेलिंग्स में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में ये एम, AMINA, आमिना। आगे हम देखते हैं हिज फोस्टर मदर्स नेम,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फोस्टर मदर रज़ाई माँ, जिन उन रज़ाई माँ का नाम था हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हम लिखते हैं एच ए एल, एच ए एल डबल ई हली, आगे एम हमारे पास ऑलरेडी है और फिर ए माँ, एम ए माँ, एच ए एल डबल ई हली, एम ए माँ, हलीमा। He was born in the year of, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए किस साल में पैदा हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल में पैदा हुए, ईयर ऑफ एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईयर ऑफ एलिफेंट में पैदा हुए। आगे है हिज फादर्स नेम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर का नाम, वालिद का नाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। हम सबसे पहले लिखेंगे ए, सॉरी ए बी, ए बी अब, डी हमारे पास ऑलरेडी है, यू डबल एल अब दुल यानी डी यू एल दुल, एल ए एच लाह अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।